गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ चैप्टर नंबर 3 के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर नेम है डाटा हैंडलिंग्स। डाटा हैंडलिंग्स इसे आप देखिए, सबसे पहले हमें लिखा है डाटा। डाटा मतलब जैसे आप स्टडी करते हैं तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो आपका क्या होता है? डाटा होता है। तो देखिए उससे मैंने यहाँ पे क्लियर किया गया था, पहले सम ऑफ द फैक्ट्स व्हिच आर रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल इज कॉल्ड डाटा। मतलब जो आपका न्यूमेरिकल है, मतलब जो जैसे आपने आप जो एग्जाम देते हैं हाफ ईयरली एग्जाम या ईयरली एग्जाम या आपका जो मंथली टेस्ट होता है वो आपका जो है, आप हिंदी में कितना नंबर लाए, मैथ में कितना नंबर लाए, साइंस में कितना नंबर लाए, ये जो होता है आपका डाटा। तो इसमें जो है आपको पढ़ना है पहला टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन होता है समांतर माध्यम। आप इसकी डिफिनेशन यहां पर रिप्रेजेंट की गई है, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन आर मीन। इसको मीन अर्थमेटिक मीन या मीन भी बोलते हैं। देखिए जैसे उसे एक फार्मूला लिखा गया है यहां पे, देखिए फार्मूला है मीन या अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब देखिए यहां पे भी एग्जांपल दिया गया है, जैसे कोई एक प्लेयर है जिसने 1, 2, 3, 4, 5 इनिंग में इसने रन कितना बनाया था, 5 फर्स्ट इनिंग में, 5 रन, सेकंड में 7 और उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4 और 8। तो अर्थमेटिक मीन का एग्जांपल है, इसको हम इसको समझाएंगे कैसे निकालते हैं। इसको देखिए ये जो नंबर है, ये जो उसका डाटा आया है, इसको देखिए सम ऑफ आर ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये जो नंबर है, ये जो उसका डाटा है उसका सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर का मतलब ये कितनी इनिंग्स में खेला है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल किसी चीज ले लीजिए, यहाँ पे हम ये सॉल्व कर दे रहे हैं, जैसे 5 तो यहाँ लिखेगा 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 अपॉन, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इसको आप 5 से डिवाइड कर, अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 7 कितना हो गया 12 और 12 और 6 कितना हो गया 18 प्लस 4 22 और 8 कितना हो गया 30 को आप 5 से डिवाइड कर, 5 6 30। तो इसका देखिए ये 6 मीन जो निकल गया इसका, ये आ गया आपका 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप अर्थमेटिक मीन के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए होंगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। करना क्या है इसमें, जो आपका उसमें डाटा होगा, चाहे वो रिपोर्ट कार्ड का होगा, चाहे आपका मार्क्स होगा, चाहे रन्स होंगे या इस तरह का कोई भी डाटा अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा, उसको क्या करना है, उसका मीन पूछेगा या अर्थमेटिक मीन पूछेगा। उसके लिए आपको जो डाटा दिया उसको एक बार ऐड कर लेना है, ऐड करके वो नंबर जितना टाइम आया होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या 5 टाइम आया है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है रेंज। डाटा हैंडलिंग्स में सेकेंड पॉइंट है रेंज। रेंज का मतलब होता है औसत। औसत हम कैसे निकालते हैं, देखिए क्या क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट गिवन ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी डाटा होगा, उसमें हम इसी एग्जाम्पल से इसको भी क्लियर कर देंगे। देखिए द रेंज का इसमें डिफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, जो हाईएस्ट होगा इसमें जो डाटा हाईएस्ट है और जो लोवेस्ट है उसका डिफरेंस कर देना, मतलब अंतर कर देने से जो आएगा वह क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है 5, 7, 6, 4 और 8, इसी एग्जाम्पल से इसको देख लीजिए, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 8 क्या है, ये हाईएस्ट हो गया और लोवेस्ट क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब सबसे बड़ी जो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है और सबसे छोटा नंबर क्या है, 4 है। इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, जैसे सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 में से आप 4 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा,
फोर, ये आपका रेंज निकल गया, ये आपका रेंज हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह आप रेंज को देख लीजिए, बल्कि से रेंज जो होता है द डिफरेंस द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिविजन ऑफ जनरेशन, जो आप जनरेशन दिया होगा उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी और जो छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपका रेंज निकल आएगा। उसके बाद लिखा गया है मोड, क्या लिखा गया है मोड, मोड जो होता है मोड मीन्स होता है बारंबारता, बारंबारता। जैसे इसका मतलब हिंदी से क्लियर हो जाए, बारंबारता मतलब जो नंबर या जो डाटा बारंबार आए, बार बार आए, और मोस्ट ऑफ मतलब जो सबसे अधिक बार है वही जो होता है क्या होता है मोड होता है। देखिए लिखा है मोड ऑफ द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसका एक सेट होता है, एक ऑब्जर्वेशन दैट ऑफर्स मोस्ट ऑफ टन, मोस्ट ऑफ टन मतलब जो मैक्सिमम बार आया वही क्या होगा मोड का लगता है, वो क्या कराएगा मोड, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी डाटा दिया रहेगा उसमें जो नंबर मैक्सिमम टाइम आया वही क्या होगा मोस्ट होगा, वही क्या होगा रेंज होगा। जैसे कोई डाटा लिखते हैं 2 5 7 9 2 8 2 5 5 करके रेंज करके 6 कर दिया इसको, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डाटा लिखा गया है 2 5 7 9 2 8 2 6, तो इसको आप एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसमें देखिए कौन सा नंबर रिपीट हुआ है और मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आया है, जो सबसे अधिक बार आया है। जैसे रिपोर्ट देखिए 2 1 टाइम है, फिर उसके बाद 2 2 टाइम है, फिर 2 3 3 टाइम है, और इसमें देखिए 5 1 टाइम है, 7 9 8 और 6, तो कौन सा नंबर अधिक बार है, मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आया है, तो इसका जो है यही आंसर हो जाएगा मोड इक्वल टू 2, मोड इक्वल टू 2, इसमें जो नंबर सबसे अधिक बार आया मैक्सिमम टाइम आया वही क्या होगा मोड होगा, ठीक है। उसके बाद आता है मीडियन, मीडियन मीन्स होता है माध्यिका, मीडियन मीन्स माध्यिका, मीडियन वैल्यू विच लाइक इन द मिडिल ऑफ द डाटा, व्हेन डाटा आर इन आर फॉर इज रेड, इसका मतलब है कि जो भी आपको डाटा दिया गया है वो जो डाटा है उसमें जो मिडिल ऑफ द रेंज होगा, जो सबसे बीच में आएगा, जो नंबर जो डाटा बीच में आएगा वही जो उसका ऑब्जर्वेशन होता है। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम इसी एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन ले रहे हैं 5 7 6 4 और 8, ये डाटा है, इसका हमको मीडियन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसको पहले हम लिखेंगे एसेंडिंग ऑर्डर, इसको करेंगे पहले अरेंज इन एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग या डिसेंडिंग में इसको कर सकते हैं, चाहे एसेंडिंग में कीजिए चाहे डिसेंडिंग में, जैसे 5 4 7 6 4 8 है, तो इसमें सबसे छोटा डाटा कौन है 4, इसको सबसे पहले लिख लीजिए 4, एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर के बाद ही 4 से बड़ा कौन है 5 है, 5 से बड़ा कौन है 6 है, और 6 से बड़ा कौन है 7 है, और सबसे बड़ा जो है वो 8 है, यह आपका एसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसको क्या करना है, इसका मिडिल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए कैसे करेंगे, देखिए अगर ये नंबर, इसको ध्यान देना होगा, अगर ये नंबर ओड या इवन में होता है, अगर जैसे नंबर ओड में 1 2 3 4 5, 5 क्या होता है ओड नंबर होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक नंबर आप लेफ्ट साइड से एक नंबर राइट साइड से कट कर दीजिए, दोनों तरफ से, एक इधर से एक इधर से, एक 4 से इधर से कट हो गया, एक इधर से कट हो गया, उसके बाद एक इधर से कट हुआ लेफ्ट से एक राइट से, बीच में जो बच गया ये बीच में क्या बचा 6, तो इसका मीडियन क्या निकला, मीडियन जो इसका हुआ 6, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, क्योंकि ये तो आपका ओड नंबर था, अगर डाटा आपका इवन में आ जाए, जैसे इवन में आ जाए तो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ये करेंगे, देखिए अगर आपका नंबर इवन में आ जाए, जैसे 2 3 7 8 6 4 1 2 3 4 5 6, ये जो आपका नंबर है ये क्या है इवन नंबर है, तो मीडियन निकालना है, कैसे निकालेंगे, फिर से हम इसको फिर वही करेंगे अरेंज इन एसेंडिंग ऑर्डर,
एसेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे छोटा किसका डाटा है 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8। अब इसको फिर उसी तरह जैसे इसमें ओड नंबर जो आया था उसको कट किए थे, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, ऐसे इसमें भी कट करेंगे, एक लेफ्ट साइड से कट किए एक राइट साइड से, फिर लेफ्ट फिर राइट। अब बीच में अगर टू ऑब्जर्वेशन टू डाटा अगर हूं तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपको ऐसे 4 + 6 इन दोनों डाटा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड कर देना कर दिया 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन में अगर नंबर ओड में आएगा तो बीच का जो नंबर है दोनों तरफ से दोनों साइड से लेफ्ट एंड राइट साइड से कट करेंगे तो बीच में एक ऑब्जर्वेशन से एक डाटा क्लियर होता है, वही जो होता है उसका मीडियन होता है। लेकिन अगर नंबर इवन में हो तो बीच में दो नंबर ऐसे बचते हैं, दो नंबर बचेंगे तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा आपका मीडियन। दैट्स इट।